हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में। तो देखिए, ये टर्म्स होती क्या है। हॉर्स पावर अलग वीडियो मैंने इस पे डिफाइन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभी इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है, मेरे पास आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे है, और ये सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन है। मैं इस तरह से बना देता हूँ कि ये एक पिस्टन है। ओके, अब ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे एक आती है कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे एक नीचे आ जाती है क्रैंकशाफ्ट। इस तरह से हम शो कर देते हैं एक बार क्रैंकशाफ्ट को इस तरह से। ओके, अब हमारे पास फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की आपको वर्किंग पता होनी चाहिए इसको अगर आप समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब एयर और पेट्रोल दोनों अंदर आते हैं, सक्शन होती है, उसके बाद कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन होने के बाद यहाँ पे एक स्पार्क प्लग होता है जो क्या चिंगाड़ी लगाता है, छोटी सी चिंगाड़ी लगाता है और आग जला देता है। उस टाइम जब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगी यहाँ पर, तो वो जितनी पावर डेवलप करेगा, समझ रहे हैं, जितनी पावर वो डेवलप करेगा एक्चुअल में, उसको कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। जो क्या होगा विद इन द सिलेंडर, वो होगा विद इन सिलेंडर, समझ रहे हैं, वो सिलेंडर के अंदर की बात है, यहां पे हो रहा है विद इन सिलेंडर। अभी ये इंडिकेटेड जो हॉर्स पावर है वो है इनसाइड द सिलेंडर और हमें इसका अभी कोई फायदा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी मुझे पिस्टन ने आगे देनी है एनर्जी क्रैंकशाफ्ट को। और क्रैंकशाफ्ट के साथ एक चीज नोट करें, यहां पे फ्लाई व्हील भी लगा होता है। तो हम होगा क्या, इसने जो पावर आगे देनी है इसके साथ यहां पे देखो क्या क्या होगा। फ्रिक्शन होगी यहां पे, जब यहां पे रब करेगा पिस्टन के साथ, पिस्टन रिंग्स होते हैं वो रब करते हैं यहां पे, और यहां पे जो क्रैंकशाफ्ट है घूम रही है उसमें भी फ्रिक्शन है, यहां पे फ्लाई व्हील घूम रहा है उसमें भी फ्रिक्शन है। तो ये सब फ्रिक्शन के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब मान लो कि मैं एक बार वैसी वैल्यू ले लेता हूं कि मेरे पास मान लो 100% यहां पे कोई वैल्यू थी 100, ओके 100 HP, मैं ऐसे मान लेता हूं कि हॉर्स पावर, इतनी पावर इसने अंदर डेवलप की। लेकिन अभी ये फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हो गए, वो जो लॉसेस हो गए, मैं मान लो मैं यहां पे कह दूं कि इंडिकेटेड पावर, मेरे पास इंडिकेटेड हॉर्स पावर आई कितनी 100। अभी मेरे पास जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हो गए उसको क्या कह देते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। उसमें मान लीजिए कि 20 horsepower आपका इसमें से वेस्ट चला गया, फ्रिक्शन के अंदर ये वेस्ट चला गया। लेकिन ये लॉसेस के बाद हमें क्रैंकशाफ्ट पे कितनी पावर मिली, उसको जो यहाँ पे हमें एक्चुअल में पावर मिलनी है जो आगे, क्योंकि हमें तो फाइनली हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ जितनी मर्जी डेवलप हो आगे नहीं मिल रही, फ़ायदा क्या। तो वो जो पावर यहाँ पे है उसको कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। 100 में से 20 के 80, तो 80 जो है हमारे पास 80 हॉर्स पावर क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। इस ब्रेक हॉर्स पावर को हमने यूज करना है आगे। अब इसके साथ गियर बॉक्स जोड़े, गियर बॉक्स के साथ क्लच है, तो ये सब चीजें जोड़ते हैं, ठीक है, पहले क्लच फिर गियर बॉक्स फिर आगे व्हील्स है उसको। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल में यूज होनी है वो ये है, ना कि ये है, समझ रहे। अभी ब्रेक हॉर्स पावर को चेक करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो ब्रेक हॉर्स पावर को चेक करने के लिए ब्रेक हॉर्स पावर की अलग से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो क्या करते हैं कि ब्रेक्स यूज करते हैं उसमें, हमारे पास वेट होते हैं उसको रोकते हैं इंजन को एक्चुअली। जैसे ये कह लो किसी में कितनी ताकत है, और दूसरा बंदा अगर जोर लगा के देखेगा कि तेरे में कितनी ताकत है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, और उस ब्रेक से पता लगेगा कि इसमें कितनी ताकत है। क्योंकि उस ब्रेक पे हम मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इस चलते हुए के ऊपर वेट्स डाल देता हूँ, ऐसे वेट्स डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ वेट डालता हूँ, रुक रुक और वेट डाल दिया, और वेट डाल दिया, तो ब्रेक लग जाएगी ना, तब हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है।
और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का पता करने के लिए हमारे पास मॉर्स टेस्ट होता है, ये याद रखें, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा इसकी। मॉर्स टेस्ट होता है, उसमें हमारे पास मल्टी सिलेंडर, ये सिंगल सिलेंडर है तो मैं मल्टी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, मल्टी सिलेंडर में इंडिकेटेड हॉर्स पावर पता करने के लिए हमारे पास मॉर्स टेस्ट होता है। तो मेरे पास ये आ गया, सिंपल है। अभी मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी किसी की निकालनी हो तो कितनी है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी सिंपल सी बात करें ना, हमारे पास क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट। अभी मेरे पास आउटपुट क्या है, आउटपुट मेरे पास है ब्रेक हॉर्स पावर, और इनपुट क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो आउटपुट मेरे पास है मान लो 80, तो इनपुट इनपुट कौन सी है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर 100, तो 80% क्या आ गई इसकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई 80% आ गई। इस तरह से आप मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल सकते हो, समझ रहे हैं, आसान है। तो अब हमने जो पावर दी इंडिकेटेड, फ्रिक्शन में लॉसेज हो गए, जो हमें मिली वो ब्रेक हॉर्स पावर, और मैकेनिकल एफिशिएंसी उन दोनों का आउटपुट अपॉन इनपुट करने से। तो अभी देखिए बात करें तो एचपी की, हमारे पास क्या होता है, हॉर्स पावर जो हमने वैल्यू याद रखनी है, आप हमेशा याद रखनी है इसके बारे में, हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर हमारे पास होता है 746 वॉट, इसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है हॉर्स पावर। अगर कोई आपको पूछ ले कि हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है बार बार, तो हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर आप बता सकते हो, ब्रेक हॉर्स पावर हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं, या हम ये टर्म यूज़ करते हैं इंजन्स में, जब भी बात होगी तो इंजन्स में हम कहेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। अगर हॉर्स पावर अकेले की बात करें तो वो पावर, जैसे देखिए पावर मेरे पास यूनिट होती है, एक वाट है, दो वाट है, तो जब ये 746 वाट की वैल्यू है ना, तो उसको एक यूनिट दी होगी हॉर्स पावर, वो कोई भी हो सकती है। अभी कहीं पे वाट 746 हो रहा है, चाहे वो इंजन हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मोटर भी है ना, हम जैसे घर में यूज़ करते हैं कि 1 HP की मोटर लगा लो यार, डेढ़ आधे HP की मोटर लगा लो, तो वहाँ पे हम HP हॉर्स पावर यूज़ कर लेते हैं। तो ये सिर्फ वॉट, 746 वॉट का नाम दिया है हॉर्स पावर, वो क्यों दिया होगा उसके लिए भी वीडियो बना रखी है, वो आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए हॉर्स पावर मोटर में भी है, मशीन्स में भी है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ब्रेक हॉर्स पावर स्पेशली तो वो इंजन्स में ही होगा। तो आप ब्रेक हॉर्स पावर मोटर में नहीं यूज कर सकते वर्ड कि इसकी ब्रेक हॉर्स पावर इतनी है, तो उसमें आप हॉर्स पावर, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं, तो वहां पे हमने कंफ्यूज नहीं होना, तो वहां पे क्लियर क्लियर बताना है कि BHP क्या है, जब इंजन में बात करेंगे, हॉर्स पावर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, सिंपल है। तो ब्रेक हॉर्स पावर आप ये बात करते हैं ना, जब गाड़ियां दिखाते हैं तो वहां पे भी बातें करते हैं कि इसकी देखिए ब्रेक हॉर्स पावर इतनी है, इसकी HP इतने की इंजन है, लेकिन वो अलग बात है कि उनको भी नहीं पता होता इनका मतलब क्या होता है। तो वहां पे हम देखो एक और चीज़ इसमें, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो ना इसमें, अब यहां से हमने पावर लेनी है, समझ रहे हो, कम स्पीड पे फ्रिक्शन ज्यादा होती है, ये चीज नोट करना, ज्यादा फ्रिक्शन होती है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि फ्रिक्शन, अब जितना ज़्यादा यहाँ लुब्रिकेशन करते जाएंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, अच्छी लुब्रिकेशन होगी, अच्छा हम इंजन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन में कमी आ जाती है। फ्रिक्शन जैसे जैसे कम होता है तो ब्रेक हॉर्स पावर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये थोड़ा सा रिसर्च का काम है, अगर अभी नहीं है मैं आपको इतना उलझाऊंगा इसमें, क्योंकि मोस्टली ये बच्चे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गई तो फ्रिक्शन बढ़ गई, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पे लुब्रिकेशन की वैल्यू भी बढ़ती है, उतना ज़्यादा हमें आउटपुट अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये कारण होता है, तो आप स्टार्टिंग में देखना कि 20 की स्पीड हमें कभी भी वो इकोनॉमी वाला जोन जो होता है कि हमें कहते हैं 45 पे बाइक चलाओ, तो हम ये बोल देते हैं 45 पे, 20 पे चलाएंगे तो भी आपको अच्छी पावर नहीं मिलने वाली, ठीक है, आप 30 पे चलाओगे नहीं, लेकिन 45 पे चलाते हो तो अच्छी पावर मिलती है। लेकिन एक वैल्यू आती है जब बहुत ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाते हो तो वहाँ दिक्कत आती है कि वहाँ हमें ब्रेक हॉर्स पावर कम मिलने लग जाती है। तो ये ग्राफ अलग अलग है, तो आप इस चीज़ को समझना, तभी हमारे पास एक मीडियम स्पीड बताई होती है, वहाँ पर ब्रेक हॉर्स पावर हमें अच्छी मिलती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच।